नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खास खबरों पर नजर डालते हुए, केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा कड़े कदम उठाने पर मत करो मजबूर। हेमंत सोरेन ने मोदी से हुई बातचीत पर किया तंज, तो टूट पड़े बीजेपी नेता। सोनिया ने मोदी सरकार को फेल बताया कि सर्वदलीय बैठक की मांग। टीकों का बेहतर इस्तेमाल करके केरल ने किया कमाल, मोदी को करनी पड़ी तारीफ। यूपी में चुनाव बाद हिंसा में 5 मरे, मगर केंद्र सरकार और बीजेपी दोनों चुप। खास खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का, इसलिए सिलसिला शुरू करते हैं ये आज की अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें केंद्र से कहा गया है कि वो कर्नाटक को रोजाना 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे। 3,95,000 कोरोना मामलों पर कर्नाटक के अनुसार 1700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, न्यूनतम आवश्यकता 1100 मीट्रिक टन है। केंद्र ने दलील दी कि हमें पहले ही 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को देने के लिए कहा गया है, ये हमें कहां ले जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम साफ बात करना चाहते हैं कि अगले आदेशों तक आपको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना दिल्ली को देनी पड़ेगी। कृपया हमें ऐसी स्थिति में न ले जाएं जहां हमें सरकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी पड़े। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कर्नाटक को 665 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के उस आदेश का कोई औचित्य नहीं था और इससे पूरे देश में ऑक्सीजन के प्रबंधन और वितरण में अराजकता आ जाएगी। केंद्र ने तर्क दिया, अगर हर उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करना शुरू कर दिया तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो साफ है कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन को, वितरण को मैनेज नहीं कर पा रही है। राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनका कोटा तय करना और उनको सही समय पर ऑक्सीजन डिलीवर करना, ये उससे नहीं हो पा रहा है। इसलिए बहुत सारे राज्यों के हाई कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, जैसे कर्नाटक के हाई कोर्ट ने दखल दिया, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने दखल दिया है और उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने भी ऑक्सीजन की कमी पर टिप्पणियां की है, हालांकि आदेश उस तरह से पारित नहीं किए गए हैं। तो चूंकि ये केंद्र सरकार चुनाव में बिजी थी, कुंभ करवाने में बिजी थी, इसलिए उसने ऑक्सीजन का कोई ना तो इंतजाम किया और ना ही एक कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिससे वो राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकती, और वो नहीं हो रहा है। इसलिए ये हर राज्य कोर्ट की तरफ रुख कर रहा है। बहुत सारे हॉस्पिटल सीधे कोर्ट के में गए हैं ऑक्सीजन के लिए, उन्होंने मांग की है, और कई हॉस्पिटल में, चाहे वो कर्नाटक हो या दिल्ली हो, बहुत सारे मरीजों की जानें भी ऑक्सीजन की कमी के कारण गई हैं, ये हम सब जानते हैं। तो राज्य सरकार जो उनकी डिमांड है वो अपनी डिमांड पूरी होते देखना चाहते हैं और केंद्र सरकार उसमें टाला मटोली कर रही है। वो कोई जिम्मेदारी के साथ कोई पक्का वादा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसकी कोई तैयारी नहीं है, उसका उसके पास कोई योजना नहीं है, और जिसकी वजह से बार बार उसे कोर्ट में लांछित होना पड़ रहा है। अब ये जो आज फटकार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट की, ये डूब मरने वाली बात है मोदी सरकार के लिए, क्योंकि ये लगातार लगभग देश के 7-8 हाई कोर्ट बार बार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं, उस पर टिप्पणियां कर चुके हैं, और जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनकी सरकारों पर भी कड़ी टिप्पणियां हुई हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का आप ध्यान रखें, वहां के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बार बार राज्य सरकार को फटकारा है, डांट लगाई है और निर्देश दिए हैं। तो ये स्थिति है जो बीजेपी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और सरकार है और प्रधानमंत्री है, उन्हें प्रशासन शासन कैसे चलाना चाहिए, किसी संकट को कैसे मैनेज करना चाहिए, आपदा को कैसे उसका प्रबंधन होना चाहिए, ये नहीं पता है, और इसलिए ये नौबत बार बार आ रही है और इसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। शर्मिंदगी के कि वो हकदार है और इसी बहाने वो उसकी पूरी जो कार्य प्रणाली है वो देश के सामने भी
निर्वस्त्र हो रही है, नंगी हो रही है, लोगों को पता चल रहा है कि सरकार को काम करना नहीं आता है। अगली खबर लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक ट्वीट से बवाल मच गया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की स्थिति पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की तो सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी पर ट्वीट करके तंज कसा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात की, बेहतर होता कि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते भी। वैसे विपक्षी दलों के नेता अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम मन की बात का हवाला देकर आरोप लगाते हैं कि वो सिर्फ अपनी ही बात कहते हैं और दूसरों की बातें नहीं सुनते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने भी एक अधिकारी के हवाले से ये खबर दी है कि सोरेन इससे नाखुश थे कि बातचीत में उन्हें अपनी चिंताएं जाहिर करने नहीं दी गई और सिर्फ प्रधानमंत्री ही एकतरफा बोलते रहे। हेमंत सोरेन के ट्वीट के बाद बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। कई नेता बोले हैं, बीजेपी नेता जो असम के हैं हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आपका ये ट्वीट न सिर्फ न्यूनतम मर्यादा के खिलाफ है बल्कि उस राज्य की जनता की पीड़ा का भी मजाक उड़ाता है। तो ये हेमंत विश्व शर्मा जो कि खुद बहुत ही गैर जिम्मेदार नेता है और अटपटे बयान, खराब बयान, देश विरोधी बयान, समाज विरोधी बयान देते रहते हैं, वो अगर टिप्पणी कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या, कि उसको कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच की बातचीत के बारे में पब्लिकली बात करना क्या ठीक है, क्या वो मर्यादा तोड़ी गई है, क्या वो गरिमा का उल्लंघन किया गया है, तो एक तरह से आप कह सकते कि हाँ। लेकिन अगर आप इस तरफ देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एक तरफा संवाद करते हैं, दूसरों की बातें सुनते नहीं हैं, उनके सुझाव लेते नहीं हैं, तो जाहिर है कि खास तौर पर चूंकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो उनसे बोलने की हिम्मत ही नहीं कर सकते, उन्हें पार्टी में रहना है, मुख्यमंत्री बने रहना है, तो वो इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन विपक्षी दलों के नेता लगातार बोल रहे हैं। पिछली बार मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने तो लाइव ही कर दिया था और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री की मुख मुद्रा आपने देखी होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल लगातार टिप्पणियां करते रहते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं, ममता बनर्जी तो आप जानते ही हैं कैसे 36 के आंकड़े हैं। तो बहुत सारे राज्य की सरकारें और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के कामकाज से, उनकी शैली से नाखुश हैं क्योंकि उन्होंने पूरी जो संघीय ढांचा है, संघीय प्रणाली है, उसको ध्वस्त कर दिया है। वो राज्यों को सोचते हैं कि उनके पैरों तले दबे हैं और उनको उन आदेश देने का, निर्देश देने का उनको हक है, जबकि संविधान में व्यवस्था है कि वो कमतर नहीं है। ठीक है, राज्य को कुछ ज्यादा अधिकार है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो उस पर हावी होने की कोशिश करें। और अगर हेमंत सोरेन को उन्होंने फोन किया था तो उन्हें उनकी बात भी सुननी चाहिए थी कि उनकी क्या समस्याएं हैं और उसमें उनकी सरकार क्या मदद कर सकती है, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने अपनी बातें कही और फोन विच्छेद कर दिया, लाइन तोड़ दी। तो अब ये कहा क्या करें, हेमंत सोरेन क्या करें, अगर पब्लिकली नहीं बोलते हैं तो यूं ही चलने देंगे, प्रधानमंत्री अपने ढंग से चलते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि उन्होंने पब्लिकली इसको जनता के सामने रख दिया। अब वो जनता फैसला करेगी कि प्रधानमंत्री सही हैं या हेमंत सोरेन सही हैं। अगली खबर लेते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए मौजूदा हालात के लिए उसे उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कोरोना पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की है। सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कांग्रेस संसदीय दल के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने इस बैठक में कहा कि देश में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इस पर काबू पाने के लिए सरकार को ठोस रणनीति अपनानी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि सिस्टम नहीं, मोदी सरकार फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने संसाधनों और शक्ति का सही से इस्तेमाल नहीं किया। मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि देश को एक ऐसा राजनीतिक नेतृत्व मिला है जिसकी जनता से कोई भी सहानुभूति नहीं है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि कई बीजेपी शासित राज्य सरकारें लोगों को मदद पहुंचाने की बजाय मदद करने वालों पर कार्रवाई कर रही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सच्चाई लिखने से लोगों को रोक रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सरकार की विफलता के कारण देश एक बार फिर
लॉकडाउन के मुहाने पर पहुंच गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया कि इस वायरस एवं इसके विभिन्न स्वरूपों के बारे में वैज्ञानिक तरीके से पता लगाया जाए, सभी नए म्यूटेशन के खिलाफ टीकों के असर का आकलन किया जाए और सभी लोगों को तेजी से टीका लगाया जाए। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि कमजोर तबकों के लोगों को वित्तीय मदद और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए ताकि लॉकडाउन के कारण गरीबों को उस पीड़ा को न झेलना पड़े जो उन्हें पिछली बार के लॉकडाउन में झेलनी पड़ी थी। तो एक विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस अपनी भूमिका निभाते हुए दिखना चाहती है। लगातार राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर हमले कर रहे हैं, सरकार पर हमले कर रहे हैं और सुझाव भी दे रहे हैं। इसी तरह से सोनिया गांधी भी कई चिट्ठियां लिख चुकी हैं पहले भी और कई बार ये राज्य सरकार के कामकाज को लेकर प्रश्न खड़े करती रही हैं। तो विपक्षी दल के नाते वो ये करना ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हैं या राहुल गांधी हैं वो सिर्फ जुबानी जमा खर्च से काम कर रहे हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सर्वदलीय बैठक की मांग की है वो भी अपनी जगह पर दुरुस्त है, क्योंकि ऐसे राष्ट्रीय संकट के समय कोई भी सरकार हो केंद्र में उसे चाहिए कि तमाम दलों के साथ मिलकर बातचीत करके इसे सम्मिलित सामूहिक तौर पर इससे निपटने की कोशिश करे, लेकिन सरकार को इसकी आदत है नहीं। बल्कि सरकार तो कैबिनेट भी एक साथ नहीं चलता, केवल एक ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएमओ एकला चलो वही सारा कुछ देखता है और इसीलिए ये सरकार जो है वो नाकारा साबित हो रही है, क्योंकि जो टीम का एफर्ट होता है, जिस जो टीम में दम होता है वो एक व्यक्ति में नहीं हो सकता है। तो टीम के कहते जरूर हैं टीम इंडिया, लेकिन टीम इंडिया कहीं नहीं है, केवल ये टीम मोदी है और मोदी भी टीम की टीम में केवल पीएमओ है। तो ये दिक्कत सामने आ रही है, विपक्षी दलों को एक तरह से हाशिए पर ढकेल दिया गया है, उनसे कोई सलाह मशवरा ये सरकार करती नहीं है, मुख्यमंत्रियों के साथ उसकी अलग ठनी रहती है, ये स्थितियां हैं। लेकिन कांग्रेस से अपेक्षा ये की जाती है कि वो सिर्फ बोलने आक्रमण करने के बजाय और भी कई तरह से अपनी सक्रियता दिखाए, तभी उसे जो सही मायने में विपक्षी दल के रूप में पहचान मिलेगी, उसकी हैसियत बढ़ेगी। अगली खबर लेते हैं। ऐसे समय जब कोरोना टीकों के बर्बाद होने की खबरें कई जगहों से आ रही हैं और सरकार ने भी ये मान लिया है कि उसका छोटा सा हिस्सा बर्बाद हो सकता है, केरल ने एक नई मिसाल कायम की है। उसे जितने लोगों के लिए कोरोना टीके मिले थे उसने उससे ज़्यादा लोगों को टीके लगाए हैं। ये चमत्कार इस तरह हुआ कि टीके की हर वायल से यानी शीशी से थोड़ा टीका बचा लिया गया और 87,358 अतिरिक्त लोगों को वैक्सीन दी और वैक्सीन को व्यर्थ नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ट्वीट करके कहा, केरल को भारत सरकार से 73,38,806 टीकों की खुराकें मिली, हमने 74,26,164 खुराक उपलब्ध कराई, हर शीशी से व्यर्थ जाने वाली डोज का इस्तेमाल करके हमने एक अतिरिक्त खुराक बनाई। हमारे स्वास्थ्यकर्मी खास करके नर्सें बेहद कुशल हैं और तहे दिल से प्रशंसा के लायक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की है। ये कैसे किया गया ये सवाल है। 5 मिलीमीटर की हर शीशी में वैक्सीन की 10 खुराक होती है। इसका मतलब है कि उस शीशी से 10 लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है। वैक्सीन की खुराक में कमी न हो जाए इसके लिए कंपनियां हर शीशी में थोड़ा सा अतिरिक्त खुराक भी डाल रही हैं। उदाहरण के तौर पर उसमें 0.55 ml या 0.6 ml अतिरिक्त दवा होती है। केरल में टीका देने वाली नर्सों ने इस अतिरिक्त टीके को बचा लिया और इस तरह से अतिरिक्त लोगों को टीके लगा दिए। तो केरल कई मामलों में उदाहरण पेश कर रहा है, कोरोना से लड़ाई के मामले में और प्रबंधन के मामले में, कि कैसे अगर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा तो लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले लोगों को मदद पहुंचाएगी, कैसे बाहर से जब लोग आएंगे विदेश से तो उनका कैसे क्वारंटाइन कराना है, पूरा एक मॉडल वो उसने कोरोना से जो शुरू में टेस्टिंग ट्रेसिंग वाला काम किया था वो भी अपने में अद्भुत था। और अब ये जब वैक्सीनेशन का फेज आया है तो वैक्सीनेशन में भी वो इस तरह से अपनी काबिलियत और अपनी दूरंदेशी का प्रदर्शन कर रहा है। जो अच्छे ट्रेंड नर्स हैं, स्टाफ है और
क्योंकि केरल ने अपने हेल्थ सिस्टम पर खर्च किया है लगातार, इसलिए वो बाकी भारत से बेहतर है और इस बेहतर काम कर पा रहा है। तो सलाम कीजिए केरल की नर्सों को, केरल के मेडिकल स्टाफ को और केरल की सरकार को जो इस तरह से कोरोना महामारी से लड़ रही है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद स्थानीय स्तर पर जगह जगह हिंसा हो रही है, जिनमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा पर राज्य सरकार को 2 बार बार चिट्ठी लिखने का कर जवाब मांगने वाली और नई सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर गृह मंत्रालय की टीम भेज देने वाली केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की हिंसा पर चुप है, खामोश है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने वाली बीजेपी भी यूपी की हिंसा पर मौन है। और तो और, केंद्र से भेजे गए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जहां ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में ही हिंसा पर खरी खोटी सुनाई, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो कभी बीजेपी शासित गुजरात की मुख्यमंत्री भी है थी रह चुकी हैं, चुप हैं। यूपी में चुनाव बाद हिंसा का तमाशा राज्य के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। बाराबंकी जिले में चुनावी हार जीत के बाद 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। पहले तो लाठी डंडे चले, इसके बाद घरों की छतों पर जाकर एक दूसरे के घरों पर हथगोले फेंके जाने लगे। मुजफ्फरनगर में विजय जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ाकर पीटा और पत्थर भी बरसाए। पुलिस ने इस मामले में प्रत्याशी फैज मोहम्मद सहित 31 नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आजमगढ़ में रिकाउंटिंग को लेकर बावेला हुआ, चक्का जाम कर रहे लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया व पथराव शुरू कर दिया। बचाव में पुलिस ने भी बल प्रयोग किया, इस दौरान उपद्रवियों ने आगजनी भी की। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और उपद्रवियों ने कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त कर दी। तो आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई थी चुनाव के बाद की, उसको बीजेपी ने कितने बड़े अतिरंजित ढंग से पेश किया, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। राष्ट्र भर में धरने का आयोजन जेपी नड्डा ने कर दिया, गवर्नर को ज्ञापन दिया गया, गवर्नर ने टीका टिप्पणियां की, केंद्र सरकार ने टीका टिप्पणियां की, मोदी ने राज्यपाल से बात कर ली, तमाम तरह की गंदगी फैलाई गई केंद्र सरकार और बीजेपी के जरिए। अब जबकि उत्तर प्रदेश में उसकी अपनी सरकार है, वहां भी पंचायत स्तर के चुनाव के बाद हिंसा हो रही है और उस पर वो कंट्रोल नहीं पा रही है। इसे क्या माना जाए? क्या बीजेपी को इस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए? इस राजनीतिक हिंसा पर वो चुप्पी क्यों साधी है? क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ नहीं बोल रही है या केंद्र सरकार क्यों चुप है? तो चुनाव बाद हिंसा जैसी राज्य बंगाल की, वैसी यहाँ भी बंगाल में तो बल्कि जो हिंसा हुई उसमें केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का और बीजेपी के जो स्थानीय नेता है उनके भड़काने वाली भाषा का एक योगदान भी था। यहाँ तो किसी विपक्षी दल ने कुछ किया नहीं, जो कुछ भी हुआ है वो कैंडिडेट के आपसी झगड़ों से हुआ है। तब फिर बीजेपी ने इस मामले में क्यों चुप्पी साध रखी है? तो ये दोहरा मापदंड आपको बीजेपी में हमेशा दिखेगा। बहरहाल, ये थी आज की खास खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।